हेरे एवरी वन दिस इजमीस आगे है और मैं मैं के लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुर नीड्स एट टॉपिक रीडिंग कर रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट right नाव अपनी करंट सिचुएशन में कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस जानना चाहते हैं आपके लिए क्या करना चाहिए राइट right नाव आपको अपनी गिवन सिचुएशन में चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है चाहे वो वर्क लाइफ से रिलेटेड है जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है लेट्स सी के और मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए राइट right नाव क्या करना सही है लेट्स सी Take back your power. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. Um, majority of people what are making a mistake right now that you want, do you know, what we say... उसका पावर और कंट्रोल आप दूसरे पर्सन को दे रहे हो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा तो आपको लग रहा है कि उस पर्सन की वजह से नहीं मिल रहा लव लाइफ वैफे चीज़ें आगे नहीं बढ़ी उस पर्सन की वजह से आगे नहीं बढ़ी और काफ़ी हद तक आप चीज़ों को परसू कर रहे हो आउटर uh, साइड से लाइक यू नो आप थ्री uh, को चेंज करना चाह रहे हो जबकि आपका थ्री डी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल गेम तो बेसिकली वट यू नीड टू डू एज़ कि अपनी पावर को अंडरस्टैंड करते हुए लुक विद वन फाइंड आउट कि क्या चीज़ आप तो ऐसी कर रहे हो जो कि गलत है जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रही है देर इज़ समथिंग जो आपको अंदर से चेंज करना है जिसका रिफ्लेक्शन आपको आउटर वर्ल्ड में दिखेगा सो फॉर इंस्टेंस अगर हम लव लाइफ की बात करें यहाँ पर तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पर्सन क्योंकि कमिट नहीं कर रहा इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ी ये नहीं हो रहा तो इसलिए ये नहीं हो रहा सो बेसिकली यू आर प्लेइंग द ब्लेम गेम यहाँ पर जबकि सारा कुछ जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ वट यू थिंक मोस्ट ऑफ़ योर टाइम सो so, अगर कुछ नेगेटिव हुआ है सो जस्ट लेट इट पास उसके ऊपर ऑब्सेस करना ओवर थिंक करना इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट ट्राई करो कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ठीक है ये करंट रियलिटी है विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर पास थाट्स उसको बदलना है टूवर्ड्स uh, जो आप डिज़ायर करते हो तो उसके लिए आपको वो थाट्स uh, सोचनी है uh, थिंक करनी है वो चीज़ें थिंक करनी है जो आपको uh, आपकी डिज़ायर से अलाइन करे सो वर दोज थिंग्स अगर आप पैचअप करना चाहते हैं तो स्टॉप आस्किंग दैट क्वेश्चन पता नहीं पर्सन क्यों नहीं बात कर रहा क्योंकि आपको मोर रीजन दिखेंगे कि पर्सन पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहा अगर आप अपनी डिज़ायर जॉब चाहते हो सो so आप ये नहीं कहो कि पता नहीं क्यों नहीं मुझे ये जॉब मिल रही ऑलवेज अफर्म समथिंग गुड अबाउट इट लाइक यू नो कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है या आपको मिल रहा है और डिवाइन जो है वो रास्ता बना रहा है आपके लिए गॉड आपके लिए रास्ता बना रहा है ताकि आप अपनी डिजायर जॉब हासिल कर सको सो so, जो भी होगा फिर करंट सिचुएशन में वो आपको अल्टीमेटली लीड करेगा टूवर्ड्स वट यू डिज़ायर सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यू आर अ विक्टम स्टार्ट टेकिंग द पावर बैक इन योर हैंड्स और आप क्रिएट करो अपनी लाइफ बाई थिंकिंग थाट्स बा अफॉर्मिंग थाट्स वर्ड्स स्टेटमेंट दैट यू वांट एज योर एज योर एज योर फ्यूचर एज योर रियलिटी एज योर सरकमस्टांसिस सो इंस्टेड ऑफ जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करने से बजाय करने की बजाय कोशिश करो कि वो चीज़ें सोचो जो आप चाह रहे हो जो आप आउटकम डिज़ायर करते हो उसके ऊपर सोचो एंड मैनीफेस्ट करो वो चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो अगैन इंटेंशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपका डेडिकेशन आपका बिलीव आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए सो मेक शो की यू वर्क ऑन दैट एक और कार्ड देखते हैं कि क्या करना चाहिए रीडिंग फिर से लंबी हो जाएगी अदरवाइज लास्ट कार्ड रहेगा ये नेचर यूर रिकरिंग फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज दिग्नीफाई डिवाइन गाइडेंस आपको अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको uh, उसके ऊपर चेक रखने की ज़रूरत है जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कह कुछ रहे होम कुछ कर रहे हो और फील बुरा कर रहे हो तो वो आपकी uh, आप अलाइन uh, नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के लिए जो आप डिजायर करते हो यू हैव टू फील गुड यू हैव टू जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप यू uh, नो you know, um, अगर आपको लगता है कि आप राइट right पाथ पे हो तो वो आई यू फीलिंग गुड आपका जो ये सिस्टम है बाय गॉड जो एक डिफॉल्ट आपका एक सेटअप uh, हुआ हुआ है इंटरनली इमोशनली वो बहुत अच्छे से आपको सिग्निफाई करता है जैसे कुछ बुरा होगा तो आप अगर रियलाइज़ करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ बुरे मूड में कहीं ना कहीं होगे इसीलिए व्हेन यू स्टार्ट मॉर्निंग एफर्मेशन प्ले अ की रोल कि आपका दिन अच्छा गुजरे क्योंकि आप अगर स्टार्ट ही जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने स्टार्ट किया दिन और आपने यू नो ब्रेकफास्ट करते हुए आपकी ब्रेड जो है वो अगर सपोज करो कि जल जाए सो so, आप सोचोगे कि आज का दिन तो बुरा गुजरेगा अगर आप उस थॉट के साथ आप बाहर निकलोगे तो ट्रस्ट में बुरा ही गुजरेगा लेकिन अगर वो हुआ और आपने इसको लेट गो किया और आपने कुछ और अफर्म करना शुरू कर दिया तो इट विल बी लाइक दैट लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या होता है कि जब आप यू नो अक्सर जैसे बड़े लोग भी कहते हैं कि You know, um, जब कुछ बुरा होता जा रहा हो लाइफ में तो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि यू विल एंड अप रॉन्ग डिसीजन क्यों क्योंकि आप उस वाइब में आ जाते हो आप उस लूप में आ जाते हो जहाँ पे हर एक चीज़ बुरी के बाद दूसरी चीज़ बुरी होने लग जाती है लेकिन उसको ब्रेक कैसे करना है उस मैट्रिक से आपने अपने आप को फ्री कैसे करना है वो आप अपने थाट्स चेंज करो अपनी आपकी आपकी सोच यू नो नोच आपकी आपका जो uh, फोकस है थॉट का वो चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ये पहले भी मैं एक दो वीडियोस में आई थिंक मैंने एग्जांपल दी है uh, अगर मैं आपसे कहूँ कि थिंक ऑफ अ मोमेंट जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोए हो बहुत ज़्यादा रोए हो चाहे वो किसी की डेथ है चाहे वो ब्रेकअप है चाहे वो किसी uh, चीज़ का लॉस था कुछ भी जिसमें जिसने आपको बहुत अपसेट किया हो उसके बारे में सोचो आप फ़ौर सैड हो जाओगे आप फ़ौरन उसके यू you नो know, इमेज आपके जहन में आएगा इसी तरह से जगह मैं आपसे एक्जैक्टली ऑपोजिट कुछ सोचने का कहूँ जिसमें यू वो योर हैप्पीस्ट कोई हो सकता है कि आपका छोटा बहन भाई पैदा हुआ हो या फिर किसी की शादी हुई हो या फिर आपकी आपका फर्स्ट यू नो डेट हो योर स्पेसिफिक समवन या आपकी आइडियल जॉब हो जो आपने अचीव की या आपकी एक आइडियल यू नो कुछ भी कुछ भी जो आपका आइडियल रहा होगा आपके माइंड में वो आएगा और फिर आप वो उस मोमेंट को लिव करोगे अपने माइंड में सो दैट्स हाउ इट गोज लाइक यू नो अगर आप अपना फोकस अच्छी चीज़ों पर रखोगे तो आपको आपके माइंड आपका 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 मूड आपकी फ़ीलिंग्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी इसी तरह से जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं आप उसके साथ रेजोनेट करने लग जाओगे आपका मूड भी थोड़ा लो हो जाएगा um, यही अगर आप यू नो हैप्पी सॉन्ग सुनोगे या ऐसा जैसे कोई लड़का या लड़की किसी को यू नो आई लव यू बोल रहा हो या कोई ऐसी हैप्पी मूवी देखोगे तो यू वुड बी लाइक यू नो फीलिंग द सेम वे एज एफ यू आर बींग प्रेस्ड और उस तरह की फीलिंग आएगी सो so, अगैन आप जिस फीलिंग में राइट right नाउ हो आपको क्या लगता है आस्क योर सर्व दिस क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि आप उस फीलिंग में हो जहाँ पे आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सको कि आपका पर्सन आपसे प्यार का इजहार करे या आपका पर्सन आपको अनब्लॉक करे या आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे या आपका पर्सन आपको वैल्यू करे मेजॉरिटी लोगों के लिए आप नहीं हो उस सा... फेज़ में जहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकें आप इंटरनली अगर आप अपना इफ़ यू लुक वन यू विल फाइंड कि जो आपकी फीलिंग स्टेट है राइट right नाव वो अच्छी नहीं है और जब आप कुछ अच्छे नहीं पे होते हो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले आपने कुछ अच्छे पे आना है स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट यू लाइक चाहे वो इस पर्सन से रिलेटेड है या नहीं है अपनी वाइब अच्छी करो इम्प्रूव करो पॉजिटिव करो और फिर देखो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें कैसे फॉल इन टू प्लेस करेंगी सो so बहुत ज़रूरी है राइट नाउ ये ये नोटिस uh, करना उन चीज़ों को चेंज करना जो आपको बुरा फील कराती हैं ऐसे लोगों से दूर रहना ऐसे यू uh, नो you know, चीज़ें देखना सोचना नेगेटिविटी uh, से अपने आप को दूर रखना हर वो चीज़ करो जिससे आपकी वाइब आपको लगे कि जो आपकी हैप्पीनेस में इजाफा करती है चाहे वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग है चाहे वो पास की कोई पिक्चर्स हैं अपने एक्स की जो आप अपने देख सकते हो या माइंड में कोई विजुअलाइजेशंस आप करना शुरू कर दो जो कि आपको हैप्पी फील कराए विच विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू कीप यू ऑन द राइट ट्रैक सो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो तो वो थाट्स नहीं सोचो जिससे आपका ब्रेकअप हुआ वो चीज़ें सोचो जो आपके अच्छे मेमरीज थे एक दूसरे के साथ क्रिएट करो कुछ नए मेमरीज जैसे आपको किसी ने कोई टास्क दिया हो कि आपने एक मूवी बनानी है अपने पर्सन और अपने ऊपर रखकर तो क्या बनाएंगे उस मूवी का क्या आपके माइंड में इमेज आता है कि किस तरह से आपकी शादी होगी किस तरह से आप कहाँ पर लिव करना चाहोगे सो डे ड्रीम अबाउट है सो इंस्टेड ऑफ़ फोकसिंग ऑन द बैड थिंग्स टेक पावर बैक आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हर इंसान में होती है गॉड गिवन है हर कोई गॉड गिफ्टेड है कि आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो सरकम को uh, हावी कर लेते हैं उनको लगता है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है जबकि सरकम आप ख़ुद क्रिएट करते हो आप अपने थॉट प्रोसेस से क्रिएट करते हो यू uh, नो you know, अगर आप किसी भी यू नो हाई प्रोफाइल किसी बंदे की आप हिस्ट्री देखो दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग मेजोरिटी लोग बेसिकली गरीब फैमिलीज से थे जो कि आज के टॉप रिचेस्ट लोगों में से आते हैं अगर वो भी आपके जैसे सोचते कि नहीं मेरे तो लिमिटेड सरकमस्टांसेज है मेरी तो फैमिली ही गरीब है तो मैं कैसे यू नो इम्प्रूव कर सकता हूँ तो गेट मोटिवेटेड यू नो जब वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो आप में भी उतनी ही पावर है आप में भी उतना ही वो है नॉलेज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो सो इंस्टेड स्टल्फ लाइक यू नो अपने अपनी बुरी सिचुएशन को यू uh, नो you know, um, क्या कहता हैं उसको यू you नो know, um, इट्स इट्स मोर लाइक कि आप अपने फेलियर्स का ब्लेम और uh, अपने सक्सेस का क्रेडिट जब तक ख़ुद नहीं लेना सीखोगे तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा यू you नो know, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ फेल हुआ है ट्रस्ट मी देर हैज़ बीन समथिंग जो आपने गलत किया ट्रस्ट मी यू नो ऐसा हो ही नहीं सकता थोड़ा पार जी सिचुएशन भी आई है वो आपने क्रिएट की है क्योंकि आपके फेयर्स इतने ज़्यादा थे आपके डाउट्स इतने ज़्यादा थे तो ऐसा होना ही था अगर आप ऑलरेडी नोइंग द फैक्ट कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का आप एक हिस्सा बन रहे हो तो तब भी वो आपने खुद क्रिएट किया है नो बडी एल्स डिड इट फॉर यू सो ट्राई टू लुक विद एन एंड यू विल फाइंड मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स सो ये है चीज़ें जो आपको करने की जरूरत है राइट right ना uh, कोशिश मेरी ये थी कि मैं इसको शॉर्ट रखूँ लेकिन देन आई स्टार्ट टॉकिंग तो बट यू नो फिर वे फिर आई डोंट स्टॉप सो आई होप इट वाज ऑफ़ हेल्प एंड अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर डू द नेक्स्ट नेक्स्टिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय